पूर्ण फुल मून रीडिंग में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। सिंस दिस मैटर इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो देखते हैं कौन से वाइब्रेशन पे हम रहें, स्टूडेंट्स हमारे रहें, जिससे कि उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो। एंड सिंस मैटर इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एवरीथिंग इज यू नो मेजर्ड इन फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, सो किस वाइब्रेशन पे रहें कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो। ऑलरेडी हमने रखा था, 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं, फ्यूचर, प्रेजेंट एंड दिस वन इज फॉर पास्ट। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी हम देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा पैशन, एनर्जी, विल पावर, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो प्रेजेंट रीडिंग देख लेते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसेजिंग कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। 5 ऑफ सोर्ड का ये कार्ड है एंड सोर्ड एक ऐसी एनर्जी होती है जो क्या कहते हैं, अगर मैसेजिंग कन्फ्लिक्ट है तो हमारा लॉस करा सकती है। कम्युनिकेशन पे काम करने की जरूरत है, उस पर काम करने की आवश्यकता है स्टूडेंट्स को। कई चीज़ों पर हम लोग को आता तो है बट हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, वो नहीं होना चाहिए। 5 की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, हेल्थ, वेल्थ लेता हुआ कार्ड। पास्ट का ये रीडिंग है एंड फ्यूचर की रीडिंग देख लेते हैं। ट्रैप नहीं रहना है फियर में। 8 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड यही बता के रख रहा है, फियर नहीं रखना है। फियर में ट्रैप्ड रह करके हमें डिसीजन नहीं ले सकते, राइट? तो फियरलेस होने की जरूरत है, जो कि बहुत अच्छी बात है अपने आप में। एंड इसे भी देख लेते हैं क्या आया है। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में हम 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं। दिस इज फॉर फ्यूचर एंड दिस इज विक्ट्री एंड सक्सेस। स्टूडेंट्स के लिए तो भाई विक्ट्री एंड सक्सेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। प्रेजेंट के लिए आया है लव बिगिंस। जब हम लव, वननेस, ब्लिस में होते हैं, जॉय में होते हैं, तो हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। ये प्रेजेंट की रीडिंग है एंड हम देख लेते हैं पास्ट में क्या। डिसकंटेंट एंड बोर्डम का हमने सामना किया, अपने पे मेहनत की, लव के हम फ्रीक्वेंसी में आए तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिलता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आज 1 दिसंबर है, नंबर 1 का ये कार्ड है लव बिगिंस। सो लव, वननेस, ब्लिस, जॉय, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे जब हम रहते हैं तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिलता है। और बॉटम ऑफ द डेक भी देख लीजिए, नंबर 9 का कार्ड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिखाता है। तो स्पिरिचुअली जब हम मोटिवेटेड रहते हैं तभी तो लव भी बन के आता है, राइट? सो इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। और एक कार्ड हम ले लेते हैं अपने एडिशनल बोनस डेक से, फ्रॉम द राइटर्स ऑफ यूनिवर्स हैज योर बैक। सो व्हाट इज देयर, यूनिवर्स की तरफ से कौन सा एक मैसेज है जो गाइड करना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं। आई फील माई वे इन टू फेथ 1 step at a time। देखिए, होप से बहुत बहुत बेटर होता है फेथ, बिकॉज जब फेथ होता है तो हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है, और जब हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है तो हमारे माइंड को वो कंट्रोल कर ले जाता है, राइट? सो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जब हम पेंटिकल्स की भी बात करते हैं तो जैसा कि ये कार्ड भी आया है पास्ट का, पेंटिकल्स का, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इमोशनल वेलबींग में हम हैं, ठीक है? हमारी, हमने भले ही डिसकंटेंट एंड बोर्डम, स्टूडेंट्स को तो भाई इससे फेस करना पड़ता है, राइट? और तभी आता है फेथ का ये कार्ड। आई फील माई वे इन टू फेथ 1 step at a time। हम फेथ, हमारा जो जर्नी होनी चाहिए वो जर्नी फेथ की तरफ पहुंचने पर होनी चाहिए, और तभी हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बॉटम ऑफ द डेक है इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट द फ्यूचर, आई नो ऑल इज वेल। वो दिल चाहता है का गाना आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, ऑल इज वेल। यू कीप ऑन सेइंग टू योरसेल्फ ऑल इज वेल विद फिंगर बाय योर हार्ट साइड, कीप पैटिंग फॉर यू, कीप यू हैव टू स्टैंड बाय योरसेल्फ। आपको अपने को पैट करना है, आपको अपने को मोटिवेट करना है। ऑल इज वेल, से ऑल इज वेल व्हेन आई एम अलाइंड इन द मोमेंट। इस प्रेजेंट मोमेंट पे रह के ही सारे अच्छे काम होते हैं, ये बात स्टूडेंट्स कभी ना भूलें। बहुत अच्छी रीडिंग आई है स्टूडेंट्स को, जिससे मतलब है विक्ट्री एंड सक्सेस से वो मिलता हुआ दिख रहा है इस फ्रिक्वेंसी पे हम। और क्या हटाएंगे कि विक्ट्री एंड सक्सेस जल्दी मिले? फियर ऑफ
ट्रैप, फियर का जो ट्रैप है इससे हमें दूर बन के रहना है। आप एक विशेष सर्कल में आ जाते हो जब आपके अंदर फियर और डाउट फैक्टर आता है, तो उससे दूर रहना है। तो डेफिनेटली ये जो न्यू मून है 1st of December का, इतनी अच्छी प्लेजेंट रीडिंग्स, प्लेजेंट वाइब्रेशंस के साथ आता हुआ हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें अपने पे काम करना है, हाईएस्ट वाइब्रेशन लव ब्लेस जॉय में रहना है, अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मेडिटेशन करना है, मे बी 2-3 मिनट्स ही हो, और स्टूडेंट्स को डिस्कनेक्ट और बोर्डों का सामना करना पड़ता है, तभी हमें रिजल्ट मिलना शुरू होता है। कीप ऑन सब्सक्राइबिंग एनर्जी डॉक्टर, सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू अंटिल द नेक्स्ट न्यू मून फुल मून रीडिंग।